गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व सर्ग। व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या होता है या प्रेपोजिशन क्या है? आंसर, अ वर्ड डेट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन एक्सेट्रा। जो प्रेपोजिशन वर्ड होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, क्या शो करने के लिए? उसका जो प्लेस है या उसका कोई टाइम या उसकी डायरेक्शन, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, बिसाइड, डाउन, ये सब ये क्या है? हमारे प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं। इन मीन्स अंदर होता है, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिसाइड मीन्स बगल में या साइड में, बिटवीन मीन्स बीच में, अबव मीन्स ऊपर और इन फ्रंट ऑफ सामने। अ प्रेपोजिशन लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। मीन्स डेट हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जो प्रेपोजिशन वर्ड है वो लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ। टाइम, प्लेस और मोशन, ये हमारे कौन बताते हैं? प्रेपोजिशन वर्ड्स बताते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन, किसके साथ? वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ और एडजेक्टिव्स के साथ। क्या रिलेशन है? तो वो वर्ड्स जो इनके साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब का या एडवर्ब का या एडजेक्टिव का रिलेशन बताते हैं वो हमारे प्रेपोजिशन वर्ड होते हैं। ठीक है, और बेटा कॉमनली यूज प्रेपोजिशन होती हैं हमारी एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, विद, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, ये हमारी कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है बेटा, नाउ फॉर एग्जाम्पल अर्शे इज वॉकिंग, तो वॉकिंग ये पीछे चल रही है तो बिहाइंड हो गया, तो बिहाइंड हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। देयर इज वॉटर इन द ग्लास, ग्लास में क्या है? पानी है, तो इन क्या है हमारा? प्रेपोजिशन वर्ड। आकाश इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, आकाश जो है वो विंडो के पास खड़ा है, तो पास के लिए नियर, तो नियर हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो जो नाउन के साथ रिलेशन बताए उसके टाइम का या प्लेस का या मोशन का, वो हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वर्ड्स। थैंक यू।